So let us see our next question. We have to evaluate cos inverse minus 1 by 2 and sin inverse minus 1 by 2 का सम हमें इवेलुएट करना है. तो एज वी ऑल नो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो हमसे कहता है sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 इवेलुएट होके आता है. याद रखिएगा तभी डिफाइंड है जब हमारा x माइनस 1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है. ऑल राइट, सो ऑब्वियसली माइनस हाफ इसके बीच में लाई कर रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. बट फिर भी देखिए हम लोग इसको नॉर्मल जो अभी तक हमने सीखा है उससे हम लोग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं. ऑल राइट, अभी तक हम लोगों ने हर बार लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो किया था, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्रोसीजर्स को भी फॉलो करेंगे. ऑल राइट, सो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर है कॉस के अंदर माइनस का 1/2. वी ऑल नो कि सिंस कॉस के अंदर अगर माइनस एक्स हो इनवर्स तो हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स. ऑल राइट, और अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स हो देन ये डिफाइन होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स से. ऑल राइट, नाउ हम लोग इस टर्म को बोल सकते हैं दिस टर्म कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स व्हाट हाफ, बिकॉज यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू हो जाएगी वो पॉजिटिव ही हो जाती है. एंड देन दिस कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस का साइन इनवर्स एंड हाफ. नाउ आप लोग बस वो वाले एंगल्स पुट कर दीजिए यहाँ पे जहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ होती है और कॉस की वैल्यू भी हाफ होती है. सो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कैन बी रिटन एज कॉस 0/1/2. ये होता है आपका पाई बाई 3 पे एंड माइनस साइन इनवर्स दिस विल बी ऑन साइन पाई बाई 6 पे. आप सबको पता है कि ये टर्म्स यहाँ से इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है तो ये हो जाएगा पाई. देन माइनस में सिर्फ बचेगा यहाँ पे एंगल, और ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पे एंगल आना चाहिए वो कॉस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए. तो ऑब्वियसली पाई बाई 3 हमारे पास 0 एंड पाई के इंटरवल में लाई करता है बिकॉज कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच हमारे पास ये होती है. एंड देन माइनस में साइन से साइन का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास ओनली पाई बाई 6. और ये क्या वैलिड है? हाँ वैलिड है बिकॉज साइन का इंटरवल हमारे पास होता है पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 और पाई बाई 6 इसमें लाई करता है. नाउ बस आपको ये एंगल्स को सॉल्व करना है. सो ये हो जाएगा पाई माइनस ये है आपके पास 60 और ये है आपके पास 30. माइनस 60 माइनस 30 इज माइनस 90. वी कैन से इट एज पाई बाई 2 एंड 180 माइनस 90 इज अगेन 90. सो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास पाई बाई 2. ठीक है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला भी होता है जिसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बशर्ते वो जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए हमारे पास, और हम लोग इस प्रोसीजर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लें.